से 12 मई को मतदान होना, तो क्या व्यवस्था प्रशासन द्वारा पूर्ण की गई है? प्रशासन के द्वारा 12 मई को होने जाने वाले चुनाव के लिए चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। ईवीएम वीवीपैट्स की कमीशनिंग पूरी हो चुकी है, पोल मटेरियल तैयार हो चुका है। 11 तारीख को लगभग 5,500 का जो स्टाफ है उसको समय रहते डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बुजुर्ग जो आने वाले हैं, जैसे मतदान के अंदर है बुजुर्ग भी हैं, 80 वर्ष 85 वर्ष, तो उनके लिए क्या व्यवस्था? इसके लिए हमारे पास टोटल 1209 पोलिंग स्टेशंस पर हर जगह पर एक एक व्हील चेयर का प्रबंध किया गया है, साथ में वॉलंटियर भी रहेंगे। यदि कोई इस तरीके से कोई भी PWD वोटर्स आते हैं, बुजुर्ग महिला आती हैं, माता आती हैं, तो उनकी मदद का पूरा प्रबंध किया गया है। जिस तरह से बहुत ऐसे भी पोलिंग स्टेशन रहेंगे जिस पे केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, तो वो कहाँ कहाँ रहेंगे? इस तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में 6 पोलिंग स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है। इनको पिंक बूथ की संज्ञा भी दी गई है, जहाँ पर पूरा का पूरा स्टाफ फीमेल स्टाफ हमारा पोस्टेड रहेगा। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से जो है ना, कुछ एक ऐसे बूथ भी हैं जहाँ पर कि हम ये समझते हैं कि संवेदनशीलता, तो उसके लिए हमारी क्या व्यवस्था है? देखिए, जहाँ तक संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ्स की बात है, इसका एक हमारा डेली बेसिस पर एक असेसमेंट रहता है लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से हमने कुल मिलाकर के लगभग 214 इस तरीके की लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है, और वो आज भी हमने चर्चा के बाद उसको थोड़ा और अपग्रेड कर रहे हैं। इसको मेंटेन करने के लिए और इसको मैनेज करने के लिए वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, वेब कास्टिंग भी होगी, जहाँ पर लाइव रिकॉर्डिंग लगातार हम देख पाएंगे यहाँ कंट्रोल रूम में बैठ करके। साथ में पुलिस की तरफ से हमारे पास 10 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज आ चुकी हैं, हरियाणा पुलिस भी रहेगी। तो हमारे पास एक पूरा प्रबंध ऐसा किया गया है कि हम इसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू।